ट्रंथ गाड़ी में खुशी को मनाते हुए इस कामना के साथ हमारे भीतर संवैधानिक जो मूल्य हैं वो उत्पन्न हों, हम उन्हें परसू करें, अपने जीवन को और अच्छा बनाएं और एक महान राष्ट्र का निर्माण हो। थैंक यू सो मच। सुबह से आप करके
ਤੈਨੂੰ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਗ जैसा कि आपको पता है आज 74th रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है पूरे देश में। इसी पावन उत्सव के उपलक्ष्य में डिस्ट्रिक्ट जल कठुआ में भी इस समारोह का आयोजन किया गया। सुबह पहले 8:35 पर हमने ध्वजारोहण किया, अपने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। पूरा डिस्ट्रिक्ट जेल का स्टाफ, CRPF पर्सनल वहाँ उपस्थित थे। उसके बाद तकरीबन 11 यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम रखा गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे जेल इनमेट्स ने भाग लिया, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस तैयार की थी। इस शुभ अवसर पर उन्होंने हर्षोल्लास व्यक्त किया। इसके साथ साथ ही मैंने और मेरे पूरे जेल स्टाफ ने गणतंत्र दिवस की जो अहमियत है, जो इसका महत्व है, उसको बताया गया कि किस तरह हमारा संविधान बना। स्वतंत्रता के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने संविधान को अपनाया, संविधान को बनाया और 26 जनवरी 1950 के दिन इस संविधान को लागू किया। क्या क्या कानून है, क्या क्या हमारे राइट्स हैं, हमारे अधिकार हैं, उसके साथ साथ क्या हमारे कर्तव्य हैं एज एन इंडियन सिटीजन, क्या क्या हमें करना है, उस पर भी पूरा जोर दिया गया। जो हमारे इनमेट्स हैं उनके क्या कर्तव्य हैं, उनके क्या अधिकार हैं, वो भी उनको बताया गया। सारे इन चीज़ों पे हमने बात की है इस लक्ष्य के साथ कि एक अच्छा व्यक्तित्व उभर कर सामने आए, जिससे एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो, अच्छे परिवार का, अच्छे समाज का और अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। वो राष्ट्र जो हमारे संवैधानिक मूल्यों पर आधारित हो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, उसको हर सिटीज़न इम्बाइब करे, स्पेशली माई इनमेट्स, ताकि दूसरी बार ये किसी भी कानून के दायरे में ना आए, जेल में ना आए। हम उनको रिफॉर्म करके यहाँ से भेजें बाई ऑल गॉड्स ग्रेस एंड द ऑल कोऑपरेशन ऑफ माई स्टाफ। इसी के साथ मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ आपको भी और अपने इनमेट्स को भी देता हूँ।